फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसके लिए आपको ना गैस जलानी है ना आपको इसमें चीनी की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि मिठाई मीठी नहीं है, मिठाई है, खूब मीठी है। तो चलिए, मिठाई की तो बहुत तारीफ हो गई और आप मिठाई का टेक्सचर देखिए, क्या बढ़िया टेक्सचर है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मिठाई पसंद आए, एक बार ट्राई करें और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिना गैस जलाए ये डिलीशियस मिठाई बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने 1/4 कप जितना काजू ले लिया है। मैंने 2 टुकड़ा काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 4 टुकड़ा ले सकते हैं और आप चाहें तो साबुत काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें इसे पीसना है। और पीसने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया और उसमें ये काजू डाल दिए, साथ ही 15-20 बादाम डाल देते हैं जिससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और ये लिए कुछ हरी इलायचियाँ। आप इस रेसिपी में काजू और बादाम एक बार को स्किप कर दें, लेकिन इलायची ज़रूर डालें क्योंकि इलायची से इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस अब हम इसे चर्न कर लेंगे। कुछ देर चलाया, मिक्सी को बंद किया, कुछ देर चलाया, फिर से बंद किया। इस तरीके से ये मैंने पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट है। और आप चाहें तो इसे थोड़ी सी मोटी छलनी में छान लीजिए, इससे और भी अच्छा इसका टेक्सचर हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो पार्टिकल निकलेंगे उसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि एट लास्ट ये काजू और बादाम है। बस इसमें से जो इलायची के छिलके हैं उसे हटा देंगे, क्योंकि इलायची का पूरा फ्लेवर आ चुका है। और इसको हम वापस से मिक्सी के जार में डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, और वो है भुने हुए चने। ये बहुत आराम से आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएंगे। बस इन्हें थोड़ा सा साफ करना होता है और इसमें नमक या कोई भी मसाले वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी स्वीट रेसिपी को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। ये मैंने करीब 1.5 कप ले लिए हैं। आप ये मेज़रमेंट अपने घर में किसी भी कप या कटोरी से कर सकते हैं। और बस इसके बाद इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए, एकदम बढ़िया पाउडर फॉर्म में ये तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम इसे फिर से छान लेंगे, क्योंकि अगर इसमें कई बार होता है कि चने वगैरह का मोटा टुकड़ा रह जाता है जो मिठाई के टेक्सचर को ख़राब कर सकता है। और यह आप चेक कर लें और बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर छान लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये लीजिए, छानने के बाद ये कुछ चोकर सा निकल गया है, इसे हटा देते हैं। और ये लीजिए, हमारी मिठाई के लिए एकदम बेस बनकर तैयार है। एक बार मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जमा हुआ देसी घी। इस मिठाई के लिए आप जो घी इस्तेमाल करें, अगर जमा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना हो सकता है कि थोड़ी लिक्विडी सी हो जाए या आपको घी का अंदाज़ा ना पड़े। और बस घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई में आपको सिर्फ 1 चम्मच देसी घी की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा देसी घी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने इसमें जो काजू और बादाम डाले हैं वो भी अपना ऑयल रिलीज़ करेंगे, तो परफेक्ट इसमें देसी घी का काम हो जाएगा। बस उसके बाद मैंने लिया है इसे मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क। 1/2 कप जितना कंडेंस मिल्क लिया है, 1.5 कप हमने चने लिए थे, 1.5 कप में 1/2 कप कंडेंस मिल्क लग जाएगा। लेकिन आप एक साथ पूरा कंडेंस मिल्क ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, क्योंकि अगर थोड़ा है तो डालना आसान है, अगर एक ही बार में ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये लिया थोड़ा सा येलो कलर, ये भी डाल दिया, जिससे एक अच्छा ब्राइट कलर हमारी मिठाई को मिल जाएगा। कलर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, चीज़ आंखों को अच्छी लगती है तो खाने में भी टेस्टी लगती है। बस थोड़ा सा ब्राइट कलर आ जाएगा। और ये लीजिए, कलर, कंडेंस मिल्क, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। बाइंड तो हो रहा है लेकिन वो परफेक्ट टेक्सचर नहीं है जिससे मिठाई बन सके। तब ये बचा हुआ कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे, होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्दी इसके वीडियो अपलोड कर दूंगी। और ये लीजिए, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा टाइट हाथ से आपको मिक्स करना होगा। शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप मसलते जाएंगे ये अच्छे से बाइंड होने लगेगा। अब ये बचा हुआ कंडेंस मिल्क भी डाल देते हैं। और ये लीजिए, हमारा पूरा 1/2 कप जितना कंडेंस मिल्क डल चुका है और 1/2 कप में मिठाई एकदम परफेक्ट टेक्सचर की तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइट हाथ से लगाएं। और ये लीजिए, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हम इसे गूंथेंगे। और जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे, काजू और बादाम अपना ऑयल रिलीज़ करेंगे। कंडेंस मिल्क ऑलरेडी काफ़ी चिकना होता है,
और हमने इसमें देसी घी भी डाल रखा है, तो आपको ये वाला परफेक्ट अक्सर मिल जाएगा। और उसके बाद बारी है मिठाई को शेप देने की। इस मिठाई को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से लड्डू की शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इससे पेड़े बना सकते हैं। पेड़े बनाने के लिए आपको करना क्या है, लड्डू बनाया, हल्का सा प्रेस किया, आप चाहें तो हल्का सा थंब से निशान लगा दें या ऐसे ही पेड़े की शेप दे दें, और आप चाहें तो इससे बर्फियाँ कट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इससे एक डिज़ाइनर पेड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो देखने में बहुत ही यूनिक सा लगता है। उसके लिए हम पहले इस तरीके से इसके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर ये मैंने एक छोटे नींबू के साइज के लड्डू बना लिए हैं, और उसके बाद मैंने ले लिया है ये पेड़ा मेकर। आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अंडर 100 में आपको 4 इसके डिज़ाइन मिल जाएंगे अमेज़ॉन पर, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ भी नहीं लगेंगे और आपके पास 4 डिज़ाइनर पेड़ा बनाने के इस तरीके छोटे छोटे से गैजेट मिल जाएंगे, जिससे आप कोई भी फेस्टिवल के मौके पर उसे आराम से बना सकते हैं। उसके लिए बस इसमें हमने इस तरीके से रखा, अच्छे से प्रेस किया, और देखिए बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। इस तरीके की डिज़ाइन अगर आप किसी भी फेस्टिवल पर बनाते हैं या ऐसे ही खाने के लिए भी बनाते हैं, तो देखिए देखते ही बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही हम ये प्यारे प्यारे से पेड़े बना लेते हैं। और आप लोग देखिए बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इस तरीके से बेसन के लड्डू भी बनाइए, वो भी बहुत बढ़िया लगेंगे। आटे के बनाइए, वो भी बढ़िया लगेंगे। मावे के पेड़े बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। अंडर 100 में मुझे 4 पेड़ा बनाने के अलग अलग डिज़ाइन के सांचे मिल गए हैं, जिससे पेड़े बनाना बहुत ही आसान हो गया है। तो पेड़े बनकर तैयार हैं, थोड़ी गार्निशिंग कर देते हैं हरे पिस्ते से। उसके लिए कुछ पिस्ते मैंने मिक्सी में चला लिए हैं, बस हल्का सा टच करेंगे जिससे पिस्ता पेड़े पर लग जाएगा, जो देखने में और भी अच्छा लगेगा। और ये लीजिए पेड़े बनकर तैयार हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा और लुक चेंज कर देते हैं, और उसके लिए मैंने ले लिया है ये चांदी का वर्क। अगर आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी का वर्क मिलता है तभी आप इस्तेमाल करने, वरना स्किप कर दीजिए। और बस उसके बाद हल्का हल्का सा टच किया और सभी पेड़ों पर ये चांदी का वर्क लग गया है। वर्क बहुत ही हल्का होता है, इसे हाथ से छूने की गलती ना करें, बस कागज़ के साथ इस तरीके से टच करेंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। और अब आप मिठाई का लुक देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है, जो भी देखिएगा मन करेगा चलो एक पीस तो खा ही लेते हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को भी बेहद पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें और इस मिठाई की रेसिपी को इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।